सो हाँ जी, सत श्री अकाल और राम राम सभी भाइयों ने। सो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फर्स्ट हरियाणवी मूवी। लिटरली ये फर्स्ट हरियाणवी मूवी का ट्रेलर आज आया है। मतलब मुझे सुनने में आया है कि आज के पहले कोई भी मूवी टिपिकल हरियाणवी लैंग्वेज में नहीं बनी है, ये फर्स्ट मूवी होने वाली है जो हरियाणवी लैंग्वेज में है। सो फर्स्टली इस मूवी का नाम है डीजे वाले बाबू। इस मूवी के लीड एक्टर हैं हरियाणा के टॉप के सिंगर हैं भाई। पहले ये सब पंजाब में चलता था कि जिस सिंगर के गाने चलते थे वो एक्टर बन जाता था, लेकिन अब से लगता है हरियाणवी इंडस्ट्री में भी सेम चीज होने वाली है। गुलजार छन्नीवाला भाई के गाने तो बहुत चले हैं, अब एज अ एक्टर देखना है कि वो चलेंगे या दौड़ेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए इस मूवी के ट्रेलर की। इस मूवी का नाम है डीजे वाले बाबू, लेकिन इस पूरे ट्रेलर के अंदर गुलजार भाई हमको कहीं भी डीजे बजाते नहीं नजर आ रहे, बल्कि कुछ और ही बजाते नजर आ रहे हैं। डीजे वाला सिर्फ गाने गाने बजाया कर रहा है, टाइम पर बंदे ही बजा दिया। तो जैसे इसके ट्रेलर में इसके लीड एक्टर शिवा कुमार की एंट्री होती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई बॉलीवुड के हीरो संजय दत्त की एंट्री हो रही हो। और ट्रेलर के स्टार्टिंग में शिवा कुमार कोई डीजे वाले नहीं बल्कि गैंगस्टर हैं जो कि जेल में हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एंट्री थीम में म्यूजिक बज रहा है वो म्यूजिक सेम एज केजीएफ के थीम सॉन्ग के जैसा है। जैसे केजीएफ का थीम बजता है टन टन। तो इसके बाद ट्रेलर में दिखाया जाता है कि कैसे एक नॉर्मल लड़का गैंगस्टर बन जाता है, और उसी के साथ साथ जो इंसान की गुड साइड होती है वो भी इसके ट्रेलर में दिखाई गई है। मतलब लड़की से प्यार करना, मतलब इस मूवी के अंदर हमको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत भी देखने को मिलेगा। हे भोले, इब्ते 16 सोमवार के 32 वर तोलिए, इब्ते कोई जिंदगी में सुथरे से छोरे की एंट्री करा दे, जय भोलेनाथ। सो गुलजार भाई के साथ साथ इस मूवी में अपनी सुंदरता बखेर रही है माही गौर, जो कि काफी सुंदर लग रही है भाई। सो उसके बाद इसके ट्रेलर में एंट्री होती है इस मूवी के दो विलन्स की, जो कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस का क्या काम होता है आपको अच्छे से पता है, युवाओं लड़कों को अपने काम के लिए यूज करना और बाद में उनको झूठे पर्चों में झूठे केसों में फंसा के जेल में कर देना। सो बेसिकली इस मूवी में दो विलन है, एक तो हमारे पंजाबी इंडस्ट्री के काफी बेहतरीन एक्टर है, मुझे नाम नहीं पता उनका, आप डिस्क्रिप्शन में से पढ़ लेना, और दूसरी तरफ वसूली भाई, जो भाई इस बंदे का लेजेंडरी कैरेक्टर है। मतलब काफी बॉलीवुड मूवी इस बंदे ने कर रखी है, और फर्स्ट हरियाणवी मूवी के अंदर हमको बॉलीवुड के ये एक्टर भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफी बड़ी बात है। और उसके बाद इस मूवी में शुरू होता है गैंगस्टरवाद, दिखाया जाता है कि कैसे वो बंदा गैंगस्टर बना और इतने बंदों के वो कत्ल कर रहा है, जगह जगह पे गोलियां चल रही है, पता नहीं कौन किस पे गोलियां चला रहा है, ये तो हम सबको पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में स्टोरी क्या रहने वाली है। और उसके बाद थोड़ा सा कैमियो दिखाया गया है शिव कुमार की फैमिली का, जो कि बोल रहे हैं कि तेरे दादा के भी यही काम थे, जैसा दादा वैसा पोता, अब खून तो नसों में बहता है, तो उसका दादा भी पहले गैंगस्टर रह चुका होता है और वो भी उसी लाइन पे चल पड़ता। तेरे दादा की भी यही लड़ाई थी जिसके कारण ते हमने गांव छोड़ना पड़ा था, अरे तू बिचारो सा हम यह जगह छोड़ते हैं। और अब बात कर ली जाए इस मूवी के एक्शन की, इस मूवी में काफी सारा एक्शन होने वाला और काफी सारा एक्शन दिखाया गया है, और लग नहीं रहा कहीं पे भी कि गुलजार भाई कहीं पे भी फीके पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ सीन देख के लग रहा है कि थोड़ा सा ना जैसे भोजपुरी की मूवीज होती है ना, साउथ की मूवीज होती हैं, कुछ ज्यादा ही एक्शन दिखा देते हैं, वैसा मुझे फील आ रहा है कि कुछ ज्यादा ही एक्शन होने वाला है। और एक्शन रोमांस और कौन कौन होने वाला है ये सब कुछ हमको अभी तक ट्रेलर में देखने को मिला है, शायद इस मूवी का सेकंड ट्रेलर भी निकल के आएगा, नहीं तो अब ये पूरी मूवी 14th October को रिलीज होने जा रही है, हमको पूरी मूवी देख के पता चलेगा। और मैं पूरी मूवी देखने भी जाऊंगा, उसका रिव्यू भी लेके आऊंगा, अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आ जाते हैं और कमेंट करोगे कि हाँ भाई इस मूवी का रिव्यू भी करना, और जरूर हम देखेंगे, मे बी ये मूवी पंजाब में रिलीज होगी या नहीं होगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो काफी कमाल का लगा इस मूवी का ट्रेलर, आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट ड्रॉप करके बताओ। मिलते हैं।